स्टैंडर्ड सेकेंड हिंदी चैप्टर नंबर 14 बहादुर दोस्त शिक्षा पद कहानी है। आज ईशु का जन्मदिन है, वह बहुत खुश है। उसकी माँ उसके लिए तरह तरह की चीज़ें बना रही है। उसकी माँ क्यों तरह तरह की चीज़ें बना रही है? क्योंकि आज ईशु का जन्मदिन है, इसलिए वो बहुत खुश है और उसकी माँ उसके लिए क्या बना रही है? अलग अलग चीज़ें बना रही है खाने की, ठीक है। शाम को दूर से ही पिताजी को आते देखकर ईशु दौड़कर उनके पास पहुंच गया। पिताजी ईशु को टोकरी दिखाते हुए बोले, देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ईशु ने उछलाकर टोकरी में झाँका, एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा टोकरी में दुबका बैठा था। ईशु ने उसे जल्दी से गोद में उठा लिया। वह कूकू करने लगा, पिताजी यह कितना प्यारा है, मैं तो इसका नाम लालू रखूँगा। देखो, ईशु के पिताजी क्या लाए थे टोकरी में? छोटा बच्चा लाया था कुत्ते का, और टोकरी में वो दुबका बैठा था, तो वो क्या करने लगा? कूकू करने लगा था। और पिताजी ने जब उसको दिया कुत्ते का बच्चा, तो वो बोलता है कि कितना प्यारा है, और उसका नाम उसने क्या रखा? ईशु ने लालू रखा। फिर कुछ सोचते हुए ईशु बोला, माँ लालू सोएगा कहाँ और यह खाएगा क्या? माँ ने एक टोकरी में पुराना सा तकिया डालकर लालू के लिए बिस्तर बना दिया। एक बर्तन में पीने के लिए उसे दूध दिया। ईशु लालू को बहुत चाहता और लालू भी हमेशा ईशु के पीछे पीछे घूमता रहता। जैसे ही ईशु स्कूल से लौटता, लालू उसके पैरों में लिपट जाता। कुछ ही दिनों में लालू बड़ा हो गया। एक दिन ईशु और लालू अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक लालू के भौंकने से ईशु जाग गया। उसने देखा कि लालू जोर जोर से अपने मुंह से उसकी चादर खींच रहा है। क्या हुआ लालू, क्या हुआ? ईशु चिल्लाया। लालू भौं भौं करता हुआ दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। ईशु ने देखा एक चोर बगल में पोटली दबाए दरवाजे से भाग रहा है। ईशु जोर जोर से चोर चोर चिल्लाता हुआ बाहर आ गया। अब ईशु और लालू चोर के पीछे भागे। चोर उन्हें देखकर घबरा गया और सामने एक पेड़ पर चढ़ गया। लालू दोनों पैर पेड़ पर रख कर भौं भौं करने लगा। शोर सुनकर ईशु की माँ पिताजी आ गए और मोहल्ले वाले पुलिस को अपने साथ ले आए। पुलिस ने चोर को पेड़ से नीचे उतरवाया और उसे पोटली लेकर ईशु के पिता को वापस दी। पुलिस ने ईशु की पीठ थपथपाई और बोले, शाबाश बेटा, तुमने और तुम्हारे दोस्त लालू ने तो कमाल कर दिया। फिर पुलिस चोर को पकड़कर ले गई। मोहल्ले वालों ने भी ईशु और लालू को खूब शाबाशी दी। शिक्षा, जानवरों में भी अपनेपन की भावना होती है, वे भी हमारे दोस्त होते हैं। तो इस कहानी में हमने देखा कि जो ईशु है, उसका कुत्ता लालू, वो कितना वफादार है कि उसने चद्दर खींच के ईशु को उठाया और दिखाया कि उनके घर में चोर आए हैं और वो भागे, तो वो दोनों उसके पीछे पीछे भागते हैं और चोर को डर लगता है, इसलिए वो पेड़ पे चढ़ जाता है। और जब उसके चढ़ने के बाद जब लालू की भौंकने की आवाज़ सुनकर उसके मम्मी पापा क्या करते हैं? पुलिस को बुला के वहाँ आते हैं और उनका सामान फिर उनको वापस मिल जाता है। पुलिस ने चोर से लेकर उनके मम्मी पापा को वापस दे देते हैं। इसलिए हमें ये कहानी से क्या मिला, शिक्षा क्या मिली? कि जानवरों में भी अपनेपन की भावना होती है, वे भी हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें
कभी भी उनको सताना नहीं चाहिए, उसको टीज नहीं करना है, ठीक है, उसको प्यार से खाना देना है, सब कुछ करना है, तो वो भी हमारे फ्रेंड्स बन जाएंगे।